अरे वो कल हुआ साहब, मीटिंग में जा रहे हैं। रे साहब की गाड़ी गंदी है, सफा नहीं करेगा क्या? जी साहब, सफा करूंगा साहब, क्यों नहीं सफा करूंगा, ये तो हमारे माई बाप है, इनकी गाड़ी सफा करूंगा, ये तो हमारा काम ही है। लाओ मैं जल्दी सफा कर देता हूँ। अरे वो कालू भैया, तुम्हारी माँ बीमार है बहुत घर में, वहाँ गांव वाले इकट्ठा हुए हैं, अगर जल्दी जाओ हॉस्पिटल लेके जाओ, वरना उनकी मौत हो सकती है, वो बहुत सख्त बीमार हैं। क्या कहा, मेरी माँ बीमार है? ठीक है मैं आ रहा हूँ। ए किधर जा रहा है रे? पहले साहब की गाड़ी सफा कर तो जाना। साहब मेरी माँ बीमार है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचा तो वो मर जाएगी साहब, उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। सर जाने दो साहब, मैं जा जाऊँगा जल्दी से माँ को छोड़ के हॉस्पिटल में। क्यों रे, तेरे माँ की तबीयत ज़रूरी है? साहब की गाड़ी, जानता है साहब की गाड़ी कितने की है? 150 करोड़ की है। पहले साहब की गाड़ी सफा कर, बहुत ज़रूरी मीटिंग में जा रहे हैं, उसके बाद माँ को ले जाना हॉस्पिटल। साहिब तब तक तो हमारी माँ बीमार है, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, इकलौता मैं ही उसका बेटा हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा साहिब, मैं तो अनाथ हो जाऊँगा। क्यों रे, तू अनाथ हो जाएगा? साहब की गाड़ी से बढ़कर तेरी माँ है क्या? चल निकल, पहले गाड़ी सफा कर, उसके बाद माँ को छोड़ना। नहीं साहब, ये तो बहुत अपराध है साहब, मुझे जाने दो पहले, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा चलेगा साहब, इतना जुल्म मत करिए हमारे ऊपर, वरना इसका फैसला होगा। क्यों रे, कैसा फैसला होगा? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, कौन करेगा रे फैसला? साहब जाने दो, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो वो आएगा, वो सब देख रहा है, ऊपर वाला तुम्हारा फैसला जरूर करेगा, वो भी। ए इसको मार डाल साले को।